अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस में शामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके हैं हायर के रेफ्रिजरेटर का, जो कि ई स्टार सीरीज से, और इसका मॉडल नंबर है HRF438EBB। और ये वीडियो में हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया और हम इलेक्ट्रॉनिक तामीरी ब्रांच में। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जिन्होंने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के अपडेट मिल जाए। और एक और बहुत जरूरी बात, आगे 9-10 मुहर्रम आ रहे हैं तो जो 2 दिन है इसका अदब करेंगे, क्योंकि बहुत अहमियत रखते हैं हमारे इस्लाम में, तो आपको 2 दिन के बाद मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास जो है हायर का रेफ्रिजरेटर, जिसका मॉडल नंबर मैं आपको आगे बता चुका हूँ। और ये जो है हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद है। बॉडी की बात की जाए, बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे आपको जो है हायर लिखा हुआ हमेशा कितना जो है मिल जाता है। और जो है इसकी सीरीज है ई स्टार सीरीज, ऐसी वजह से जो है नीचे वाली साइड पे जो है ई स्टार का जो है स्टिकर मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर की जो मेन हाईलाइट्स हैं, जो कि इसको जो है बकाया रेफ्रिजरेटर से जो है इसको अलहदा करते हैं। बकाया रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में जो है इसका 20% जो फ्रीजर वाला हिस्सा है वो बड़ा है, और जो है इसका टेम्परेचर जो है फ्रीजर का वो जो है -25 तक जाता है। और जो है आपको मेन फीचर इसका, लाइट जाने की सूरत में आपको जो ये बैकअप देता है 100 घंटों तक। रियली ऑसम फीचर। और फ्रिज के बिल्कुल दरमियान में आपको जो है डिजाइन मिल जाता है, और डिजाइन का डिजाइन है, और जो है ग्रिप की ग्रिप है नीचे वाले रेफ्रिजरेटर को और ऊपर वाले रेफ्रिजरेटर को खोलने के लिए बहुत इजी तरीके से खुल जाता है। और नीचे वाला हिस्से की बात की जाए, नीचे वाला हिस्सा खोलते साथ ही 3 अदद जो है आपको डोर रैक्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबसे नीचे वाली साइड पर आपको बोटल रैक, और उससे ऊपर भी आपको बोटल रैक, और सबसे ऊपर जो है आपको एक ट्रे रैक मिल जाता है। और अब बात करते हैं अंदर वाले शेल्फ्स की, जो कि आपको स्टील की शेल्फ मिल जाती है 1, 2, 3, 4 आपको जो है स्टील की शेल्फ, और उसके नीचे बिग बॉक्स के ऊपर जो है आपको ग्लास जो है मिल जाता है, और वो भी शेल्फ आपकी बन जाती है। और बिग बॉक्स का जो है आप साइज देख सकते हैं, आपको जो है कितना वॉल्यूम मिल जाता है। और इसके अंदर ज्यादातर लोग जो है फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं, और ये आपकी मर्जी, आप इसके अंदर जो है क्या रखते हैं, कैसे आपको जो है अपने रेफ्रिजरेटर को मैनेज करते हैं। और आप बात करते हैं फ्रीजर में रोशनी के लिए, आपको जो है 3 बल्कि 4 जो LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि एक बल्ब की सूरत में आपको मिलती हैं। और टेम्परेचर मेड्यूल की बात की जाए, टेम्परेचर मेड्यूल आपको हमेशा कितना 0 से लेकर 7 तक टेम्परेचर मेड्यूल मिल जाता है, जो कि आप अपने वेदर के लिहाज से जो है इसको सेट कर सकते हैं। और ये बटन आपको हमेशा कितना पता है, ऑटो लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, डोर ओपन होने पर जो लाइट ऑन होती है इस बटन की वजह से होती है। और आप बात करते हैं इसके साथ आपको जो है मिलता क्या क्या, 2 अदद जो है एक्ट्रे रैक मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो आप एक वक्त में जो है 16 अंडे जो है बिल्कुल सेफली तरीके के साथ रख सकते हैं, और जो है ऊपर वाली ट्रे में आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। और रबड़ क्वालिटी की बात की जाए, रबड़ क्वालिटी इसकी जो है फिक्सेबल नहीं होती, आप इसको उतार के जो है साफ वगैरह कर सकते हैं, कभी लिक्विड गिर वगैरह गिर जाता है तो इसको साफ करना जरूरी होता है। ये था हमारा रिव्यू नीचे वाले हिस्से का। बात करते हैं फ्रीजर वाले हिस्से की, और फ्रीजर वाला हिस्सा देखने आप जो है नीचे आपको अगेन जो है जैसे नीचे आपको ग्रिप मिली थी, इसी तरह जो है आपको ऊपर वाले हिस्से में भी जो है ग्रिप मिल जाती है। और ऊपर वाला हिस्सा खोलते साथ ही आपको जो है 2 अदद जो है डोर रैक्स मिल जाते हैं, जो आपको जो है बोतल रैक ही मिल जाते हैं। और अंदर वाले हिस्से की बात की जाए, आप देख सकते हैं वॉल्यूम इसका जो है अंदर से फ्रीजर का वॉल्यूम काफी बड़ा वॉल्यूम है, 20% जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो है वॉल्यूम आपको दिया जाता है। और आपको जो है 2 अदद जो है स्टील की शेल्फ मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप कोई भी चीज रख सकते हैं। और ड्रेन आप देख सकते हैं, आपको जो है ड्रेन का होल जो है इसके ऊपर कैप मिल जाती है, और ड्रेन आप देख सकते हैं आपको किस तरह का आपको जो है ड्रेन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके साथ आपको जो है मिलती क्या क्या चीजें। सबसे पहले आपको जो है 2 अदद जो है आइस क्यूब ट्रे मिल जाती है, जिसके अंदर जो आप आइस क्यूब बना सकते हैं और कभी भी गर्म पानी को जो है ठंडा कर सकते हैं। और 1 अदद जो आपको स्नैपर मिल जाता है, जिसकी मदद जो फ्रीजर में जो है बर्फ जम जाती है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिया ही स्पेशल बर्फ रिमूव करने के लिए होता है। और छुरी कांटा या किसी भी नुकीली चीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपकी जो ये शीट है वो फट जाएगी और जो है इसकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। और इसके साथ जो आपको 1 अदद जो है ड्रेन ओपनर मिल जाता है, अगर आपका ड्रेन बंद हो जाए तो इसकी मदद से जो है आप इसको जो है ओपन कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं इजिली जो है अंदर चला जाता है। और इसके साथ जो कचरा होगा या साथ आ जाएगा या जो है अंदर चला जाएगा इसके ड्रेन के। और इसके साथ जो आपको 2 अदद जो है डोर लॉक की मिल जाती है, जिसकी मदद से जो आप अपना रेफ्रिजरेटर लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आपको जो लॉक करके भी दिखा देते हैं रेफ्रिजरेटर हम, ये आप देख सकते हैं हमने जो है इसको लॉक कर दिया, अब जो है रेफ्रिजरेटर जो है लॉक हो चुका है। ग्रिल आप देख सकते हैं वो जो है नीचे वाले हिस्से के साथ जो है बिल्कुल अटैच होगी, और ग्रिल जो है उसके लॉक के अंदर भी चलेगी, तो आपके जो है दोनों हिस्से लॉक हो गए। अब इसी की से इसको जो है आप अनलॉक कर सकते हैं, और इजिली जो है आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ये कोई भी अनलॉक या लॉक कर सकते हैं इसी की के साथ। और लास्ट में आपको जो है कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जिसके अंदर जो है आपको गाइड मैनुअल
मैनुअल मिल जाता है, और जो है इसकी बैक साइड पे आपको क्वालिटी पास का जो है स्टैंप लगी हुई मिल जाती है, और कस्टमर केयर के नंबर मिल जाते हैं, और इसी गाइड मैनुअल के अंदर ही आपको जो है वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर इसका बार कोड स्कैनर, सीरीज नंबर और जो है मॉडल नंबर लिखा होता है। और वारंटी की बात की जाए आपको जो है 10 ईयर्स की जो है इसकी कंप्रेसर की वारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी। और ये था हमारे इस रेफ्रिजरेटर का रिव्यू जो कि 18 क्यूबिक फीट के साथ आता है और 30% फास्ट कूलिंग जो है टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और प्राइस भी मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।